नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में महिला की हत्या के मामले में हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या का किया खुलासा। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में SSP बबलू कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 दिसंबर 2017 को थाना जनकपुरी के ग्राम छजपुरा में एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जहां 26 दिसंबर 2017 को अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त थाना कोतवाली मंडी सहारनपुर की रहने वाली सुहिला के रूप में हुई थी, जिसके संबंध में थाना जनकपुरी में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं 30 दिसंबर 2017 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा छजपुरा तिराहे देहरादून रोड से उपरोक्त मुकदमे में नामजद दिलजात को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने बाग में रखे पुआल के ढेर से मृतका का आधार कार्ड, 3 फोटो, 1 जोड़ी सैंडल को बरामद किया। महिला की हत्या के आरोप में एक और आरोपी नौशाद अभी फरार है। क्राइम स्टोरी के लिए जिला संवाददाता अंकुर सैनी की रिपोर्ट। देखिए, विगत 24 तारीख को एक महिला जिसकी करीब उम्र 30-35 साल होगी, उसकी डेड बॉडी थाना जनकपुरी के गांव छज्जपुरे में मिला था। अज्ञात होने के कारण शिनाख्त कराने की कार्रवाई की गई और 26 तारीख को इस महिला की शिनाख्त मंडी थाना की रहने वाली के रूप में हुआ और PM रिपोर्ट के आधार पर 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। SPCT और CO सेकंड के निर्देशन में हमारी थाना जनकपुरी की टीम ने 2 दिनों में मेहनत करके इस पूरे ब्लाइंड मर्डर को वर्कआउट किया है और एक अभियुक्त जिसने अपने भाई के साथ मिलकर इस महिला का मर्डर किया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। दूसरे अभियुक्त के गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया है कि इस महिला को वो भगाकर यमुनानगर नौकरी के लिए ले गया था, परंतु अपने भाई के कहने पर और घर वापसी आने के कारण जो है उस महिला को उसकी हत्या कर उसे नाली में फेंक दिया था। अभियुक्त के निशानदेही पे मृतका का आधार कार्ड, उसके चप्पल और उसके फोटो आदि भी बरामद कर लिए गए हैं।